दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ETH पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि मैं आपको आने वाली वीडियो में LED ट्यूबलाइट कैसे बनाते हैं बताऊंगा। ये सेम सर्किट दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कृपया वो ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये मटीरियल आपको इस सर्किट के लिए चाहिए। एक CFL का कॉल मैंने ले लिया है जो कि ऑलरेडी ख़राब थी, ब्रोकन थी। 6 to 7 LED, हाफ वाट या 1 वाट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या जो भी आपको आसानी से मिल जाए। और इस सर्किट को मैंने एक छोटे से PCB बोर्ड के ऊपर असेंबल कर लिया है। वही सेम सर्किट है दोस्तों जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूँ। और एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैं इन सभी LEDs को सीरीज़ में लगा लूँगा। देखिए इस तरह से मैंने सीरीज़ में LED को लगा लिया है। अब इसके बाद मैं इनको सोल्डरिंग करके सीरीज़ कंप्लीट करके सिर्फ इसके 2 पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव बचेंगे। पॉजिटिव पे मैं 470 ओम का जो रेजिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है वो डायरेक्ट कार्डबोर्ड के ऊपर लगा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने इस सर्किट को पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से सर्किट के साथ लगा दिया है। और अब इस सर्किट को 220 वोल्ट देने के लिए जो ट्यूबलाइट का खोल है उसके साथ अटैच कर दिया है। ये देखिए एक तरफ 10 ओम की रेजिस्टेंस के साथ, दूसरा PF के साथ। अब इस सर्किट को इसके अंदर डाल के ऊपर से छोटा सा एक कार्डबोर्ड और लगा देता हूँ कि कहीं ये सर्किट शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए या ऊपर ना लगे। उसके बाद इसको प्रॉपर ढंग से बंद कर देंगे। मैं इसको ग्लू स्टिक का जो ग्लू गन है उसके साथ लगा रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ जिससे भी आप चिपका सकें इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली कुछ वीडियो में मैं आपको और भी ट्यूबलाइट सर्किट के बारे में बताऊंगा कि बड़ी ट्यूबलाइट वगैरह कैसे बनाई जा सकती है जिससे पूरे घर को आप LED लाइट्स लगा सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी बचत भी होगी और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। CFL से या दूसरी ट्यूबलाइट से लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा होती है और बनाना भी इनको कोई मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक लैंप है, मैं इसमें आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये लग गया है और अब इसे मैं 220 वोल्ट सप्लाई देता हूँ। देखिए तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में भी मैं आपको और ट्यूबलाइट्स के बारे में बताता रहूँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।